अग्रीमेंट परफॉर्मेंस हो गई आपकी? हो गई सर। कैसी थी और कौन कौन से गाने में परफॉर्म किया? बढ़िया रहा, आई थिंक द ऑडियंस इज एंजॉयड इट। आई हैड परफॉर्म टू हाई रेटेड गबरू, ओ साथी, मुंडिया तो बच के रही, और क्या था वो, उर्वशी, उर्वशी। साल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। आई थिंक फॉर मी इट वॉज माई बेस्ट ईयर, खासकर क्योंकि बागी टू थैंकफुली वर्क्ड वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस। नो, बस स्टार स्क्रीन अवार्ड्स देखूंगा फैमिली के साथ। हाँ जी, that's not fair to ask. Yeah, they're all so talented, really. And I haven't seen any of their films yet. I have to catch up on film watching. क्योंकि मैं shoot कर रहा था तो उसमें busy था, तो I can't comment on that. Thank you very much. Thank you. आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड हैव अ वेरी सेफ एंड वंडरफुल सेलिब्रेशन। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हैं आप? हाय। सबसे पहले तो बधाई हो, स्टार इज फिल्म जी, ऑफ कोर्स। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोनों अंधाधुन बधाइयों को बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे, दोनों का आपस में कंपटीशन हो रहा है कि सब नॉमिनेशन में दोनों हैं, एंड इट्स ग्रेट टू बी इन दिस पोजीशन। कि लास्ट ईयर भी बरेली की बड़ी शुभमंगल सावधान के साथ ऐसा हुआ था, इस साल अंधाधुन और बधाइयों के साथ हुआ है। सो दोनों टीमों ने बहुत मेहनत की है, एंड आई एम ग्लैड दोनों ऐसे इस सिचुएशन में है। इट्स अ हैप्पी सिचुएशन। जी मैं होस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। नर्वसनेस बिल्कुल नहीं है, तो मतलब होस्टिंग तो ऐसा लग रहा है बचपन से कर रहा हूँ तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी आई एम होस्टिंग विद विकी, क्योंकि हम दोनों पंजाबी हैं, हमारी टाइमिंग है, केमिस्ट्री है, कॉफी विद करण में भी साथ में भी थे, तो तब से हमें आइडिया है कि वी शुड होस्ट समथिंग टुगेदर। सो किसे एक्सपेक्टेशन है? नए साल से भी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि कंटेंट बेस्ड सिनेमा दूंगा, कुछ अलग करूंगा जिसको देख के लोगों को अच्छा लगे। सो 2019 लुक्स वेरी ब्राइट। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो शो पे डिस्कस हुआ था, उनको इस बारे में पता नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन वो ऐसा ही था कि कोई भी अगर न्यू कोई भी चलता हुआ आदमी आपसे पूछेगा आपका नंबर, आप नंबर नहीं देंगे ना, तो आई थिंक इट्स नॉट हिज फॉल्ट एंटायरली। वो मैंने डेयरिंग में आके नंबर मांग लिया था, पर आई थिंक इट्स ऑल कूल। ये देखो ऐसे होता है। हम होस्टिंग में बहुत आगे जा चुके में रेजोल्यूशन ये है कि ऐसे ही काम करता रहूं, कंसिस्टेंसी इज द रेजोल्यूशन, और दैट्स अबाउट इट। आई ईट हेल्दी, दैट्स इट। न्यू ईयर विश आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष की अंधाधुन बधाई हो। थैंक यू। नहीं यार, अगर ऐसा होता तो होस्ट ही ना करते साथ में। बहुत भाईचारा है, ब्रोमांस काफी ज्यादा हमारे अंदर, ब्रोस्ताना। थैंक यू सो मच। Sir,
इंटरव्यू सेंटर हाँ जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरे तो ये तो दिग्गज है उसमें. ये तो हंगल साहब है होस्टिंग के. मैं अभी नया नया आया हूँ. मैं न्यू कमर हूँ. मेरी पहली दफ़ा है होस्टिंग के तो थोड़ा सा डरा हुआ हूँ. बट एक अच्छी एक्साइटमेंट है और मैंने बोल दिया है खुराना साहब को कहीं भी कुछ गड़बड़ हुई संभाल लेना. अच्छा विक्की साहब 2018 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा है. हाँ जी 2019 से क्या एक्सपेक्टेशन है? 2019 मैं बड़ा खुश हूँ. पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी साल की शुरुआत मेरी फिल्म से हो रही है तो उरी आ रही है 11 जनवरी को. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ट्रेलर को बहुत ज़्यादा प्यार मिला तो या फिंगर्स क्रॉस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट. कॉम्पिटिशन नहीं है. आई थिंक हम एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं. एक दूसरे की चॉइसेस से इंस्पायर हो रहे हैं. मैं उनको एज अ एल्डर ब्रदर देखता हूँ. एंड उनकी अंधाधुन हो चाहे बधाई हो दोनों फिल्में मुझे बहुत पसंद आई है. एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दिस. थैंक यू. सॉरी बुला रहे Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.